Hello friends, hello and most welcome to our channel Media Forum. This is Amit Shukla here और मेरे साथ मेरा friend अभिलाष जो कि photo shoot कर रहे हैं. Friends, welcome back. मैं आपको एक बार फिर से ले आया हूँ हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में, जो कि उत्तराखंड से जस्ट सटा हुआ है. और मैं आपको आज यहाँ की खूबसूरत वादियाँ दिखाने वाला हूँ, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ के नेचर की खूबसूरती. जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपको इन सब चीजों के हालात के बारे में बताया था, बट अभी आज मैं आपको यहाँ के पहाड़ियों की खूबसूरती के बारे में बताऊंगा. एंड आई होप कि आपने इससे पहले देखा होगा, बट आज हम आपको कुछ यूनिक दिखाने वाले हैं, कुछ नया. ओके, सो लेट्स फॉलो मी. हेलो जानी, हम आंखों से सुरमा नहीं आंखें निकाल लेते. कुछ ऐसा ही डायलॉग यहाँ पे बोला गया था. मैं आपको बताना चाहता हूँ जहाँ पे राजकुमार जी कभी चला करते थे. इस रास्ते के बारे में बता दूँ, लगता ये बहुत सुनसान रहा है. आई थिंक आप सभी को ऐसे रोड बहुत रेयर ही देखने को मिलते हैं. आप देखो कि ये रोड कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा लग रहा है कि पेड़ों के बीच से ये रास्ता होते हुए. एंड आई होप कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन तब जब आप लोग इसको देखने आएंगे. अब मैं पहाड़ से बहुत ऊपर आ चुका हूँ, इसका एक छोटा सा व्यू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, इतना प्यारा कि मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा. और मैं विराज जी से रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि प्लीज कैमरे को थोड़ा सा मोल्ड करें और आप सबको वो चीजें दिखाएं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं. प्लीज अभिलाष जी, थोड़ा सा आप दिखाइए कि यहाँ से जो व्यू आ रही है वो कितनी खूबसूरत है. आप लोग देख रहे होंगे एक नहर की तरफ बना हुआ है. मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, जैसा कि मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, बट एक्चुअल प्लेस नहीं दिखाया था. बट आज मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वही जगह है जहाँ पे काफी हाई वोल्टेज पे यहाँ पे जनरेट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी. और यहाँ से आप पूरी व्यू देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा है. और जब मैंने पहली बार यहाँ पे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे हम यहाँ पे कहीं फॉरेन में आए हैं, जैसे कि अफ्रीका के जंगल में ऐसा महसूस हुआ. बट जान के हैरानी होगी आपको कि ये अफ्रीका नहीं बल्कि हमारी इंडिया में ही ऐसी जगह है कि जो इतनी खूबसूरत है, शायद इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा. और आई होप कि आप इसे इंजॉय कर रहे होंगे. यहाँ पे जो नेचर की खूबसूरती है, जो ब्यूटी ऑफ नेचर है, आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है कि इंसान एक बार आए तो यहाँ से जाने का उसका मन न करे. इवन मेरा तो नहीं कर रहा है. एंड आई होप अगर आप आते हैं, आप विजिट करते हैं, तो आपका भी नहीं करेगा. क्योंकि देखिए यार, नेचर जो होता है इतना खूबसूरत होता है कि इसमें आप जो भी चीज आप देखें सब चीज यूनिक लगता है, सब चीज नया लगता है. और वैसे भी सेम यहाँ पर भी, यहाँ के पेड़ पौधे पत्तियां, इवन सबसे अच्छा कि यहाँ का जो क्या बोलते हैं कि जो पौधे हैं इतना शांत, इतना यहाँ पे जो शांति आप महसूस कर सकते हैं सिवाय मेरी आवाज़ की, यहाँ कुछ भी नहीं आपको सुनाई देगा क्योंकि यहाँ पे बहुत शांत है. और ये शांति यहाँ का एक प्रतीक है खूबसूरती का. और यहाँ पे आने के बाद आदमी बोर नहीं हो सकता. मैं तो नहीं हो रहा, एंड आई होप आप भी नहीं होंगे. तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग एक बार जरूर विजिट करें और यहाँ की खूबसूरती को देखें और इसके बारे में लोगों को बताएं, ताकि लोग आकर के इसकी खूबसूरती को वो भी देख सकें, इसको समझ सकें कि हमारे इंडिया में, हमारे भारत में ऐसी ऐसी जगह है जहां अभी तक हम लोग नहीं पहुंच पाए. एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी. और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए. मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी जगह के बारे में आपको ले चलेंगे बताने. ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड नमस्कार.